Hello students, in today's lecture we are going to see chapter number 1 of class 8. What is the name of the chapter? The name of the chapter is Another Chance. Another means ek or chance means moka. Let's get started. What should we do to correct our mistakes? What should we do? Hame kya karna chahiye to correct yani ke sudharne ke liye our mistakes yani ke hamari galtiyan sudharne ke liye hame kya karna chahiye? What should we do to change our failure into success? What should we do? हमें क्या करना चाहिए to change, बदलने के लिए our failure, हमारी असफलताओं को किसमें change करने के लिए? Success में, यानी के सफलताओं में. हमारी असफलताओं को सफलता में change करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर poet जो है ये another chance के बारे में यहाँ पर कुछ बातें कर रहे हैं. सो चलिए देखते हैं क्या बोल रहे हैं. How often we wish for another chance to make a fresh beginning. To make a fresh beginning. Fresh beginning मतलब नई शुरुआत करने के लिए क्या करते हैं. How often we wish, हम कितनी बार wish करते हैं यानी कि आशा रखते हैं, इच्छा करते हैं क्या करने के लिए. For another chance, कि हमें एक और मौका मिल जाए. हम कभी कभी क्या करते हैं, हमारे जीवन में बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, असफलता हमें प्राप्त होती है, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, बहुत बार हम एक और चांस हमें मिल जाए ऐसी हमेशा हम क्या करते हैं, आशा करते हैं. अ चांस टू ब्लॉट आउट, यहाँ पर ब्लॉट आउट जो है ये वर्ब है और इसका मीनिंग होता है हटा देना, पूरी तरीके से हटा देना. अ चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स, हमारी गलतियों को पूरी तरीके से हटाने का एक मौका. एंड चेंज फेल्यूअर इंटू विनिंग, और हमारी जो फेल्यूअर है यानी कि हमारी असफलताएं जो है इसको विनिंग में यानी कि सफलताओं में चेंज करने के लिए हम कई बार ऐसी आशा करते हैं कि हमें एक और मौका मिल जाता है ना. कभी कभी हम गलतियां करते हैं जीवन में, तो गलतियों को वापस करेक्ट करने के लिए और हमारी असफलताओं को सफलता में बदलने के लिए हम कई बार ऐसी आशा करते हैं कि एक और मौका मुझे मिल जाता तो मैं और बहुत कुछ अच्छा कर सकता था. इट डज नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट. टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट यानी कि नई शुरुआत करने के लिए, एकदम ब्रांड न्यू स्टार्ट मीन्स एकदम नई शुरुआत करने के लिए. इट डज नॉट टेक अ न्यू डे, इट डज नॉट टेक अ न्यू डे का मतलब होता है एक नए दिन की जरूरत नहीं है, है ना. कोई भी कार्य हमें करना है तो इंस्टेंटली हमें सोच समझ कर, एक कैलकुलेटेड रिस्क लेकर समझ कर हमें इंस्टेंटली कार्य करना होता है. बहुत सारे लोग क्या है, ज़िंदगी भर सोचते ही रहते हैं कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा, लेकिन अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाते. क्यों? क्योंकि हमेशा वो सोचते ही रहते हैं कि एक नई सुबह आएगी, एक नया मुझे किसी का सपोर्ट मिलेगा तो मैं ये सारे काम करूँगा. तो कोई सी भी हमें कोई नया स्टार्ट करना है, हमारे जीवन में कुछ नया करना है, कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ सोचा है हमने और उसको फॉलोअप में लेना है, तो हमें एक नए दिन की ज़रूरत नहीं है कि कल सवेरा होगा तभी मैं ये काम करूँगा. इट ओनली टेक्स अ डीप डिज़ायर टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट. इट ओनली टेक्स, इसको केवल क्या लगता है नई शुरुआत करने के लिए, अ डीप डिज़ायर. डीप डिज़ायर का मतलब होता है गहरी आपकी इच्छा शक्ति. आपकी इच्छा शक्ति जो है केवल अगर आपके पास है तो आप अपने जीवन में जो भी आप शुरुआत करना चाहते हो आराम से आप कर सकते हो. टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट, हमारे पूरे हृदय से हमने यदि सोच लिया है कि मुझे अपने जीवन में ये कार्य करना है तो आप इमीडिएटली उसको स्टार्ट करिए, सोचते ही नहीं रहेंगे. टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट, अभी आप क्लास 8th में हैं, मान लीजिए आपको आपके क्लास 8th में 100% अचीव करना है, ठीक है, तो आप अभी से ही इसकी शुरुआत करिए. आप ऐसा सोचते रहेंगे कि मैं 100% लाऊंगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, सिचुएशन मेरे अकॉर्डिंग होगी, तो सिचुएशन कभी भी हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती है, सिचुएशन बदलती रहती है, और हम अगर सोचते ही रहेंगे तो वो कार्य हम कभी भी पूर्ण नहीं कर पाएंगे. तो ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट, देखिए आगे बढ़ने के लिए, नई शुरुआत करने के लिए केवल हमें एक गहन इच्छा शक्ति की और हमारे पूरी तरीके से जिसको बोलते हैं कोशिश करना है, हमें किससे, विथ आवर हार्ट, हमारे हृदय से हमें कोशिश करना है. टू लीव अ लिटल बेटर, अच्छा जीने के लिए. एंड टू बी ऑलवेज फॉरगिविंग, हम क्या कर सकते हैं, फॉरगिविंग. ऑलवेज फॉरगिविंग मतलब हमेशा दूसरों को माफ़ करते जाएं. हमारे जीवन में हम कई लोगों को देखते हैं जो हमेशा गलतियां करते हैं, तो हमारे अगर हम जैसे आप लोग सारे छोटे छोटे बच्चे हैं,
आप बच्चे जब मिस्टेक्स करते हैं तो आपके माता पिता उस गलतियों को क्या कर देते हैं, फॉरगिव कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं, ठीक है। तो हमें भी कुछ अच्छा जीने के लिए क्या करना है, दूसरों को हमेशा क्षमा करना है, ठीक है, क्षमा। एंड टू एड लिटल सनशाइन और टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग, टू द वर्ल्ड विश्व में इन विच वी आर लिविंग, जिसमें हम रह रहे हैं, ऐसा विश्व जिसमें हम रह रहे हैं, एंड एड लिटल सनशाइन, उसमें हम एक सूर्य का प्रकाश जैसा प्रकाश दे हम, ऐसी हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए। सो नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, सो नेवर, नेवर मतलब कभी भी नहीं, गिव अप का मतलब यहाँ पर होता है, ये भी एक वर्ब है, गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना। नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा, तो निराशाओं में कभी भी छोड़ना मत किसी चीज़ को। जैसे मान लीजिए आप कोई कार्य शुरू कर रहे हैं और शुरुआत में हमेशा ऐसा बोलते हैं बिगिनिंग इज़ वेरी हार्ड, कभी भी किसी कार्य की शुरुआत जो होती है वो बहुत कठिन होती है और उसका अंत बहुत सरल होता है। तो हम क्या करते हैं, कभी किसी कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसको बीच में ही निराशाओं को, अगर हमें निराशाएं हाथ लगती है तो हम क्या कर देते हैं, उसको हम बीच में ही छोड़ देते हैं। तो हमें ऐसे बीच में छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस क्या बोल रहा है कि कभी भी निराशाओं में आप अपने आप को छोड़े नहीं, मीन्स आप जो पाना चाहते हैं उसको कभी भी गिव अप नहीं करें, एंड थिंक यू आर थ्रू, और आप हमेशा सोचें कि हाँ मैं कर सकता हूँ, यस आई कैन डू इट ऑलवेज। आपने एक थ्री इडियट मूवी देखी थी, उसमें एक बहुत अच्छा सा सूत्र सिखाया गया है। अब मूवीज़ में से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, बट एक्चुअल में अच्छी चीज़ों की जगह पे हम बुरी बुरी चीज़ें, बुरी बुरी आदतें हमारे जीवन में बहुत लाते हैं। इसमें मूवीज़ में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी होती है, उसमें जो एक्टर्स होते हैं वो नॉर्मली बोलते हैं ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। तो हमारे जीवन में हमें हमेशा यही एक सूत्र बना लेना चाहिए और सोचना चाहिए कि ऑल इज़ वेल, सब कुछ सही होगा, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। तो अगर हमारी सोच ऐसी हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो हमारी आसपास की जो एनर्जी है वो हमें उस तरफ हमारी हेल्प करने के लिए बिल्कुल हमारे सामने आएगी। नाउ फॉर देयर इज़ ऑलवेज अ टुमारो, हम हमेशा सोचें कि देयर इज़ ऑलवेज टुमारो, मतलब हमेशा एक कल आएगी। मान लीजिए आज आपको असफलता हाथ लगी है तो आप ये सोचकर बैठ जाएंगे कि मैं तो असफलता हूँ, मेरी डेस्टिनी यानी कि मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं देता है, तो डेफिनेटली शायद आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपको तो हमेशा यही सोचना है कि देयर इज़ ऑलवेज टुमारो, हमेशा एक कल आएगा, कल की सुबह मेरे लिए एक नया जीवन लेकर आएगी, मैं और अच्छा करूंगा। आज मैंने जो मेरी गलतियां करी उसको मैं कल नहीं दोहराऊंगा, उसको और करेक्ट करने की और उसको अच्छा करने की कोशिश करूंगा, तो मुझे सफलता ज़रूर हाथ लगी। फॉर देयर इज़ ऑलवेज अ टुमारो एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू, और होप का मतलब होता है एक ऐसी आशा है, स्टार्टिंग अ न्यू यानी कि नई कुछ शुरुआत करने के लिए कल हमेशा आएगा। ये आपके जीवन में हमेशा आप सभी बच्चों को याद रखना है। ये पोएम लिखी गई है किसके द्वारा, हेलन स्टेनर राइस। देखिए यहाँ पर एक सूत्र दिया है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ठीक है। किसी भी कार्य को यदि आप नहीं जानते हैं तो वो प्रैक्टिस से आप अचीव कर सकते हैं। मान लीजिए आप सिंगिंग सीखना चाहते हैं तो सिंगिंग सीखने के लिए क्या ज़रूरी है, प्रैक्टिस ज़रूरी है, ठीक है। कोई सा भी ऐसा कार्य हमारे आसपास में हमारे जीवन में नहीं है जिसको हम अचीव नहीं कर सकते, कोई सा भी ऐसा गोल नहीं है, कोई सा भी ऐसा एम नहीं है हमारा जिसको हम अचीव नहीं कर सकते, केवल और केवल एक इच्छा शक्ति की ज़रूरत है और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। किसी भी कार्य को अगर आप प्रैक्टिस में लेते हैं तो ये तो श्योर है कि आप एक दिन उस कार्य में अपनी महारत हासिल कर लेंगे। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स अब एक्सरसाइज देखते हैं, लिसन एंड रिपीट। आपको क्या करना है, इसको मैं जो अभी बोल रहा हूँ उसको सुनना है और मेरे पीछे पीछे रिपीट करना है। रिपीट आफ्टर मी, बिगिनिंग, विनिंग, Forgiving, start, heart, part, better, letter, fetter, deep, keep, beep। देखिए इस प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं इसको राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं। देखिए यहां पर अगर इसको पढ़ेंगे start, heart, part, तो देखिए एक जैसे लास्ट में जब आप इसको पढ़ रहे हैं तो ये एक जैसे दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं इनको हम बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स, है ना। तो चलिए यहाँ पर भी देखिए, बेटर, लेटर, फेटर,
ठीक है, दीज आर द राइमिंग वर्ड्स। तो चलिए ये क्लियर हुआ होगा, 2 से 3 बार आप इसको प्रैक्टिस में भी ले सकते हैं। अब चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 2। क्या कह रहे हैं इसमें, रीड द पोएम एंड राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। एंटोनिम्स सभी बच्चों को पता होगा, व्हाट इज एंटोनिम्स? एंटोनिम्स का मतलब होता है विरुद्धार्थी, यानी कि जो अर्थ में दूसरे से विरुद्ध हो उसको हम बोलते हैं एंटोनिम्स। और आप सभी बच्चों को पता होगा समानार्थी जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सिनोनिम्स। एंटोनिम्स विरुद्धार्थी और सिनोनिम्स समानार्थी। ओके, तो चलिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, गुड। गुड का ऑपोजिट क्या होता है, एंटोनिम क्या होता है, बैड, अच्छा बुरा। चलिए सक्सेस को आपको पता है, इस पोएम में भी दिया है, फेल्यूअर। सक्सेस मीन्स सफलता, फेल्यूअर मीन्स असफलता। आपको अपने आप से इसमें से ढूंढ कर लिखना है, मैं यहाँ पर आपको नहीं लिख कर दे रहा हूँ। स्टेल, स्टेल मतलब बासी, जो पुराना हो जाता है, बासी, जैसे शाम का खाना है तो ये स्टाल फूड, स्टेल। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, ताज़ा, फ्रेश। तो ये भी दिया हुआ है पोएम में, होप, होप मतलब आशा। अब आशा का क्या होता है हिंदी में अगर हम बोलें तो, निराशा। निराशा को हम क्या बोलते हैं, डिस्पेयर, जो लास्ट पैराग्राफ में ये वाला वर्ड दिया हुआ है। एंड, एंड मतलब अंत, तो अंत का क्या होगा, शुरुआत, यानी कि स्टार्ट, इसका ऑपोजिट हो जाएगा स्टार्ट। शैलो, शैलो किसको बोलते हैं, जो कम गहरा होता है या गहरा नहीं होता है, ठीक है, उसको हम लोग उथला जो बोलते हैं, ठीक है। तो शैलो वाटर होता है, तो इसका हम क्या कर सकते हैं, इसका ऑपोजिट होता है डीप, यानी कि गहरा। ओके, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वाउल्स। इसमें यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दी है, आपको क्या करना है, प्रॉपर वाउल वहाँ पे, देखिए इसको वोवेल नहीं बोलते हैं हम, आप सभी बच्चों को याद रखना है, इसका रियल प्रोनंसिएशन जो है ये वाउल, 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 ठीक है। इसको हम लोग नॉर्मली, हमारे समझने के लिए हम लोग नॉर्मली वोवेल बोल देते हैं, सो इसका रियल प्रोनंसिएशन है वाउल। ओके, सो यहाँ पर आपको वाउल्स, वाउल्स कितने हैं आप सभी बच्चों को पता है, ए, ई, आई, ओ एंड यू, 5 vowels are there in English? How many vowels are there in English? 5. A, E, I, O, U. इसमें 5 में से आपको यहाँ पर proper vowel यहाँ पे लिखना है। तो चलिए सबसे पहले है ये often. अब ये जो often है ना, इसको हम दो तरीके से बोलते हैं। कोई कोई आपने सुना होगा इसको often बोलते हैं, ठीक है, कोई इसको often बोलता है और कोई इसमें T जो है ये silent लगाता है और often बोलता है। तो हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से आपको क्या बोलना चाहिए, ऑफन बोलना चाहिए। बट कभी यदि किसी ने ऑफ्टन बोल दिया, दैट इज ओके, मतलब दोनों ही प्रोनंसिएशन इसके इंग्लिश में है। ओके, सो चलिए ऑफन यहाँ पर हमने क्या लगाना है, ई, तो ये ऑफन हो जाएगा। चलिए एक बी एल ओ, अगर हम यहाँ पर ब्लॉट बोल देंगे तो निकालना, हटा देना। चलिए यहाँ पर क्या आना चाहिए, विश, इच्छा करना। सारे वर्ड जो है पोएम में दिए हुए हैं, फॉरगिव तो क्या हो जाएगा, क्षमा करना, मिस्टेक्स यानी के गलतियां, तो आई लगा देंगे हम, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई वॉल लग जाएगा। ओके, ये सारी एक्सरसाइज स्टूडेंट्स आपको आपकी कॉपी में लिखना है एक बार लेसन पढ़ने के बाद में। नाउ सी, फाइंड वर्ड्स दैट राइम। अभी जैसे मैंने बताया था, राइमिंग वर्ड्स किसको बोलते हैं, जब हम उसको पढ़ते हैं तो लास्ट में एक जैसा वो प्रतीत होते दिखाई देते हैं, उनको हम बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स विद द फॉलोइंग। चलिए सबसे पहला है शाइन, तो शाइन, इसके जैसे राइमिंग वर्ड्स कौन से हो सकते हैं, फाइन, शाइन, फाइन, वाइन, माइन, है ना। तो आप इसमें से कोई सा भी ले सकते हैं, जैसे मैंने लिया है यहाँ पर माइन या फिर फाइन, जो भी लिखना चाहें आप। थ्रू, तो थ्रू का ब्लू, फ्ल्यू, कोई से भी वर्ड्स हो सकते हैं। नंबर ऑफ, नो, थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स विल बी देयर जो राइमिंग में आएंगे। नाउ स्टार्ट, तो स्टार्ट, हार्ट, ठीक है, स्टार्ट, हार्ट, बिगिनिंग, तो इसके लिए बहुत सारे हैं, विनिंग, जो यहाँ की शुरुआत में, एक्सरसाइज की शुरुआत में दिए हुए थे, बिगिनिंग, सो हम बोल सकते हैं विनिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज कॉम्प्रिहेंशन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इसकी जो है पीडीएफ हम आपको अवेलेबल कर देंगे, तो आप क्या करेंगे, उस पीडीएफ में से इसके क्वेश्चन के आंसर्स लिखेंगे। तो चलिए, व्हाई डू वी विश फॉर अनदर चांस, हमें दूसरे चांस की हमें क्यों जरूरत होती है, हम क्यों ऐसी आशा रखते हैं, इसका मीनिंग होगा, व्हाट डज इट टेक टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, नई शुरुआत करने के लिए क्या जरूरी है, व्हाट डज द पोएट मीन बाय एडिंग अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड,
पोएट का मतलब क्या है? बाय एडिंग अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड, विश्व को एक नई किरण देने से पोएट का मतलब क्या है, ये इसका मीनिंग होगा. व्हाई शुड वी नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, हमें निराशा में किसी चीज को त्यागना क्यों नहीं चाहिए. What should we hope for our new future? हमारे नए भविष्य के लिए हमें क्या आशा रखना चाहिए? Okay, now इसके questions के answers जो हैं वो आप अपने PDF में से लिख सकते हैं और इसको learn कर सकते हैं. Next, students यहाँ पर match the following दिया हुआ है, तो चलिए इसको देखते हैं. A chance to blot, तो क्या कहाँ आ जाएगा है? Our mistakes. It only takes deep desire. ये poem की ही पंक्तियाँ हैं. To add a little sunshine. Also never give up in despair. तो ये match the following poem में जो words दिए हैं उसके according है. Students यहाँ पर एक read the passage carefully. Let's read. हम लोगों को क्या करना है? इस passage को पढ़ना है और कोशिश करना है इसको figure out करने की कि actual में कहना क्या चाहता है. Two crows challenged each other. ये एक story है दो कौओं की. मैं थोड़ा सा brief कर देता हूँ आपको. यहाँ पर ब्रीफ का मतलब होता है संक्षेप में बता देता हूँ, ठीक है. मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ आपको कि दो कौवे होते हैं, वो दोनों रेस लगाते हैं. कैसे रेस लगाते हैं? दो थैले लेते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सैक. तो दो सैक्स के साथ, सैक के साथ में वो कैसे उड़ेंगे. अब एक कौवे ने क्या करना है, एक कौवा इसमें कॉटन भरता है और एक कौवा जो क्या है ये क्या करता है, इसमें नमक भरता है ना, सॉल्ट भरता है. वो दोनों उड़ना स्टार्ट करते हैं. अब बारिश होती है, बारिश होती है तो क्या होता है, जो कॉटन होता है वो कॉटन गीला हो जाता है ना, और जो सॉल्ट होता है वो क्या हो जाता है, सॉल्ट पानी में गीला होकर क्या हो जाता है, पिघलने लगता है. तो किसका वजन कम हो जाएगा, जिसमें सॉल्ट है. जैसे मान लीजिए ये सॉल्ट है और ये कॉटन है, तो पानी जब कॉटन को लगता है तो वो वजनदार हो जाता है, हैवी हो जाता है, और सॉल्ट को जब पानी लगता है तो वो क्या हो जाता है, गीला हो जाता है. तो किसका वजन ज़्यादा रहेगा, कॉटन वाले थैले का यानी सेक का. तो ये कौन उड़ पाएगा, कौन नहीं उड़ पाएगा, जीतेगा कौन, ऑफकोर्स सॉल्ट वाला कौवा है ना, जिसके पास सॉल्ट से भरी हुई सैक है, थैला है, वो उड़ पाएगा. तो चलिए ये कुछ इसी तरीके से एक दो कौवों के बारे में बात है. टू क्रोस चैलेंज ईच अदर, दो कौवों ने एक दूसरे को चैलेंज किया. टू सी विच ऑफ देम कुड फ्लाई हायर, देखने के लिए, क्या देखने के लिए, कि विच ऑफ देम उनमें से कौन सा कुड फ्लाई हायर, उनमें से कौन सा कौवा ज़्यादा ऊंचा उड़ सकता है, उसके लिए एक दूसरे से उन्होंने चैलेंज किया. वाइल कैरिंग सैक्स ऑफ द सेम साइज, while carrying sacks of the same size के sacks यानी के थैले लेकर कौन ज़्यादा ऊँचा उड़ सकता है, ऐसी एक दूसरे के साथ उन्होंने क्या करी, शर्त लगाई, चैलेंज किया एक दूसरे को. the first crow filled his sack, पहले वाले कौवे ने क्या फिल किया उसके sack में, उसके थैले में, with cotton यानी कि cotton उसने फिल किया. एंड लाफ्ड एट द अदर क्रो, और वो दूसरे पे हंसने लगा कि अभी तो मेरे पास कॉटन भरा हुआ है तो मैं बहुत जल्दी से ऊंचे उड़ सकूंगा. हु हैड फिल्ड हिज विथ सॉल्ट विच वॉज मच हैवियर, और दूसरे कौवे ने क्या करा कि उसके अंदर क्या करा, उसने सॉल्ट भरा है, तो वो जो कॉटन वाला कौवा है जिसके थैले में कॉटन था वो दूसरे कौवे पर हंसने लगता है कि मेरे पास तो बहुत हल्का पदार्थ है मेरे थैले में और आपके पास बहुत हैवी है, तो वो हंसने लगा. अब देखते हैं हावेवर का मतलब हम बट भी कर सकते हैं. हावेवर व्हेन इट बिगेन टू रेन, जब बारिश शुरू होती है, एज द सेकेंड क्रो हैड एक्सपेक्टेड, ठीक है, जैसा सोचा गया था सेकेंड क्रो के बारे में, द सॉल्ट बिगेन टू डिजॉल्व. डिजोल्व का मतलब होता है पिघलना, ये भी वर्ब है. बिगेन टू डिजोल्व मतलब वो पिघलने लगा सॉल्ट. द कॉटन एब्जॉर्ब्ड, ये भी वर्ब है. एब्जॉर्ब का मतलब होता है सोखना. द कॉटन एब्जॉर्ब्ड द रेन वाटर, कॉटन ने रेन वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया. एंड बिकेम सो हैवी, वो बहुत ज़्यादा हैवी हो गया. दैट द फर्स्ट क्रो डिड नॉट इवन हैव द स्ट्रेंथ टू गेट ऑफ द ग्राउंड एंड ही हैड टू एडमिट डिफिट. ही हैड टू एडमिट डिफिट का मतलब होता है, देखिए यहाँ पर ये जो एडमिट है इसका मतलब होता है स्वीकार करना, और डिफिट का मतलब होता है हार. उसको हार स्वीकार करना पड़ा. क्यों हार स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि वो स्ट्रेंथ टू गेट ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड से उठने जितनी भी उसमें ताकत नहीं थी. क्यों? क्योंकि कॉटन ने पानी सोख के उसको बहुत हैवी बना दिया था. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. स्टूडेंट्स आपको मैंने ये पैराग्राफ एक्सप्लेन किया, आपको क्वेश्चन को देख के इसके आंसर अपने आप लिखने की कोशिश करना है.
अगर नहीं कर पाते हैं तो आपको इसके आंसर्स आप पीडीएफ में भी चेक कर सकते हो, जो आपको शॉर्टली मिल जाएगी. नाउ लेट्स राइट. Write a paragraph on a night before the examination using the expressions given below. A night before the examination, yani ke examination se pehle ki ratri, hai na? Examination se just pehle ki ratri jo hoti hai, wo bahut difficult hoti hai har ek students ke liye, kyunki ye pariksha ka समय होता है. तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं, उन वर्ड्स को लेकर और आपको एक पैराग्राफ मेकिंग करना है. जैसे वरी, वरी मतलब चिंता करना, कन्फ्यूजन मतलब कन्फ्यूजन, बुक्स एंड नॉट स्कैटर्ड, हमारी बुक्स और नॉट्स जो होती है वो स्कैटर्ड, स्कैटर्ड का मतलब क्या करेंगे हम, बिखरी हुई. स्कैटर मतलब क्या होता है, बिखरा हुआ. क्रैमिंग, हम उस दिन हम कोशिश करते हैं, क्या करते हैं, क्रैमिंग करने की, मतलब हर चीज़ को रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं. फॉरगेटिंग, अब जब हम रट्टा लगाएं तो भूल भी जाते हैं. एक्सपेक्टिंग, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, हम ये भी देखते हैं कि कोई सा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, सर मैम ने कभी हमें IMP बोला हो, वेरी वेरी IMP बोला हो, हमें वो भी याद आता है. तो वो भी सारे क्वेश्चंस हम लोग क्या है, लर्न करने की कोशिश करते हैं. लास्ट रिवीजन है ना, एग्ज़ाम के, आप सभी बच्चों ने बहुत सारी एग्ज़ाम्स दी हैं, तो एग्ज़ाम के लास्ट एंड तक, लास्ट मोमेंट तक हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं उस चीज़ को रिवाइज़ करने की जो पॉसिबल नहीं होता है. नो फूड, खाना भी कभी कभी नहीं खाते हैं. नो स्लीप, कभी कभी हम सोते भी नहीं हैं. पेरेंट्स एंग्री, माता पिता हम पर कभी कभी गुस्से हो जाते हैं. फियर ऑफ एग्जामिनेशन, हमें एग्जाम का डर भी लगता है. और लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, और हमारे अंदर कभी कभी क्या होता है, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की जो है वो कमी होती है. लैक का मतलब होता है कमी होना, लैक ऑफ का मतलब होता है क्या, कमी होना. तो स्टूडेंट्स, आपको इन सारे वर्ड्स को लेकर एक पैराग्राफ मेकिंग करना है, ठीक है. ऐसा ज़रूरी नहीं केवल आप यही वर्ड्स का यूज़ करें, इसके अलावा भी आप बहुत सारे वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं. बट यहाँ पर जो दिए हुए शब्दार्थ हैं, इसको आपको क्या करना है, आपके बुक में लेकर और आपको मेकिंग करना है, ठीक है, पैराग्राफ मेकिंग करना है. ओके, नाउ लेट्स डू इट. अ नंबर हैज़ गिवन टू ईच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट इन द टेबल बिलो. सभी अल्फ़ाबेट को यहाँ पर नंबर दिए हैं, ठीक है. रीड द टेबल एंड डिकोड द मैसेज. और आपको क्या करना है, टेबल को रीड करना है और मैसेज को डिकोड करना है, यानी कि इसमें से एक मैसेज निकालना है. देखिए, आपको ये काम भी खुद से करना है. यहाँ पर जब आप जिस नंबर को देखें उस नंबर के सामने क्या है, जैसे मान लीजिए 14, तो 14 को क्या नंबर अलॉट किया गया है, N. तो आपको यहाँ पर लिखना है N. फिर 5 को क्या किया है, E, ठीक है. उसके बाद में 22 को क्या अलॉट किया है, V. फिर 5 को क्या अलॉट किया है, E. और 18 को क्या किया है, राइट, तो R. तो इसका पूरा मैसेज क्या हो जाएगा, नेवर, NEVER, नेवर. तो ऐसे आपको क्या करना है, आपको ये पूरे सारे जो है इनको सॉल्व करना है अपने आप से बुक में देखकर और एक मैसेज निकालना है. ओके, आई होप के आपको आज का ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा. आप स्टूडेंट्स को क्या करना है, ये पोएम जो है अगर आप याद कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, अपने माता पिता को सुनाएं. और उसके बाद में इसमें जो शब्दावली है, आपकी जो बुक है, बुक के लास्ट में चैप्टर नंबर 1 की शब्दावली लिखी हुई है, आपको उसको भी लिखना है. और लिखने के बाद में आपको इसके एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज नंबर 1 से लेकर एंड तक की जितनी भी एक्सरसाइज हैं, सभी को आपकी कॉपी में लिखना है, अच्छे हैंडराइटिंग में लिखना है. और दूसरा सेल्फ चेक, देखिए अपने जीवन में यदि आपको आगे बढ़ना है ना, तो हमारी गलतियाँ जो है ना, हमें खुद को सुधारना पड़ेगा. हम ऐसी आशा रखें कि हम कोई व्यक्ति आएगा और हमारी गलतियां सुधारेगा, दैट इज़ नॉट करेक्ट. हमें कोशिश ये करना है कि लिखने के बाद में वही जो हमने लिखा उसको सेल्फ चेक में डालें, ठीक है. सेल्फ चेक करें, जितनी बार आप सेल्फ चेक करेंगे आपका कॉन्फिडेंट बढ़ेगा और आपका डिटेलिंग की ओर ज़्यादा ध्यान जाएगा. ओके, सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही. गुड बाय.